भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह इन दिनों अगर कुछ भी करते हैं तो वो सुर्खियां बन जाती है। सुर्खियां तो उनकी ये वाली फोटो भी बनी है जहां पर वो एक सिद्ध पुरुष के कदमों में बैठे हैं और उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। लेकिन भाई अब जो उनके विरोधी हैं वो ये कह रहे हैं कि पवन सिंह पुत्र प्राप्ति के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि पवन सिंह की शादी को 2 साल हो चुके हैं और अभी तक पवन सिंह के घर किलकारियां नहीं गुजी हैं। वैसे भले ही पवन सिंह और ज्योति सिंह को या उनके परिवार को इसकी फिक्र ना हो, लेकिन उनसे ताल्लुक रखने वालों को इसकी फिक्र जरूर है कि पवन सिंह पिता कब बनेंगे। अब इन सब चीजों को इसी चीज से जोड़कर देखा जा रहा है कि पवन सिंह प्रयाग गए हुए हैं अपने एक स्टेज शो के लिए। प्रयागराज के स्टेज शो के ठीक पहले पवन सिंह महाराज नरेंद्र गिरी से मिले और उनका आशीर्वाद लिया अपने जीवन में सुख शांति के लिए। लेकिन ये क्या, ट्रोलर्स ने यहाँ तक कह दिया कि पवन सिंह इसलिए महाराज से मिले हैं, इसलिए उनके कदमों में झुके हैं ताकि उनके घर जल्द से जल्द बच्चे की किलकारी गुजे। भाई ये क्या बात हो गई। अगर कोई इंसान, कोई भी व्यक्ति किसी कारण किसी से मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हर वक्त अपने फायदे के लिए ही मिल रहा है। वैसे ये पहली मर्तबा नहीं है जब पवन सिंह किसी से मिलने गए हो और उस पर इस तरह की छींटाकशी करी गई हो। इससे पहले जब पवन सिंह शहीद फौजी परिवार से मिलने गए थे और उनकी मदद के लिए 51,000 रुपए दिए, तब भी पवन सिंह की उस तस्वीर को देखते हुए सभी ने ये कहा कि पवन सिंह उपकार तो करते हैं लेकिन दिखावे में भी कमी नहीं करते। भाई हम यहाँ यही कहना चाहेंगे कि लोग उनसे मिलने के लिए तरसते हैं, उनके साथ फोटो शेयर करने के लिए तरसते हैं। वैसे आपको बता दें कि पवन सिंह के पर्सनल सोशल मीडिया अकाउंट पर ये तस्वीरें पोस्ट नहीं होती, उनके फैंस द्वारा ये तस्वीरें पोस्ट की जाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि पवन सिंह खुद भी इंटरेस्टेड नहीं होते हैं ऐसी तस्वीरों को शेयर करने के लिए, क्योंकि वो सारी चीजों को पर्सनल ही रखना ज्यादा पसंद करते हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।